तो हम बात कर रहे थे कि कुछ इसमें बड़े दाने वाली जो कुछ किस्में होती है तो वो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होगा इसका मतलब, और उसको बोल नहीं सकते पक्का जी, क्योंकि दोनों का जब हाइब्रिड करते हैं तो इंटरमीडिएट सीड आता है। जी 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 जी, ना बड़ा आता है ना छोटा आता है। हाँ। उसमें हम अगर बैक क्रॉस करते जाएंगे, हाँ। मतलब जिसका मोटा दाना है उसको फिर क्रॉस करेंगे तो फिर हम सीड साइज बढ़ाते ही बढ़ाते हुए जाते हैं। जी जी, तो इस तरीके का भी रिजल्ट पाया जाता है। तो डॉक्टर साहब, मैंने जैसे कि कई बार हम लोगों से, वैज्ञानिकों से सुनते हैं कि जिस सोयाबीन किस्म का जो दाना बड़ा आकार का होता है उसका अंकुरण थोड़ा सा कमज़ोर होता है, तो क्या इसमें क्या रिश्ता होता है, कृपया उसके बारे में अगर बताएं। उसका इसलिए है कि ये इसका जर्मिनेशन जो है जी, वो एक तो ईपीजीएल है जी, और ये बहुत सेंसिटिव क्रॉप है जी जी, तो एक तो ईपीजीएल होने की वजह से जो फोर्स लगना है, और इसके कॉटिलेडन बड़े होते हैं जी जी, जब बड़ा सीड है तो कॉटिलेडन बड़ा, बिल्कुल, तो उसको जो फोर्स लगता है उतना फोर्स कई बार इसके पास होता नहीं, तो सॉइल में दब के रह जाता है, मतलब इसी वजह से एक तो जर्मिनेशन कम होता है, दूसरा जितना बड़ा दाना होता है ये पाया गया है कि उसको फंगल अटैक भी ज़्यादा होता है, तो फंगल अटैक होने से क्या होगा कि वो सॉइल के अंदर ही अच्छा ख़राब होगा, तो जर्मिनेशन नहीं होगा। तीसरा कि ये मैकेनिकली भी उसको जो भी मैकेनिकल डैमेज वगैरह और सीड सर सीड कोट जो होता है, हाँ, वो सीड कोट मतलब बीज का आवरण जो है बहुत आवरण जी वो बहुत नाजुक होता है सोयाबीन में जी, तो ये सारी फैक्टर एक साथ मतलब इसीलिए जो बड़े दाने वाली जो किस्म है उसका थोड़ा सा अंकुरण में कमजोर रहती है, और जितने छोटे दाने वाली किस्में वो बहुत अच्छी रहती है अंकुरण। तो ये भी मतलब अल्टीमेटली आपका जेनेटिक्स ही गवर्न करता है। जी 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 जी, तो दर्शकों को मैं आपको बता दूं कि आज हमने जो डॉक्टर रामटेके साहब के साथ में चर्चा की, बहुत सारी बिंदुओं के और हमने चर्चा की, और उनके जो अनुवांशिकी का जो ज्ञान है उसको हमने जो साधारण आदमी तक जो सोयाबीन के खेती करते हैं या सोयाबीन को जानते हैं, चाहे वो किसान हो या छात्र हो, उसके उपयोगी मुझे लगता है कि बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। और ऐसे ही कुछ जानकारी के साथ में हम विभिन्न वैज्ञानिकों के साथ में चर्चा कर रहे हैं, और जो कि जो मोटे तौर पे विज्ञान जो होता है, जो कि ये यहाँ तक विज्ञान को तक ही सीमित रहता है, और बाकी जो साधारण आदमी को उसकी उतनी कोई तकनीकी बहुत सारा टेक्निकल जो मैटर इन्वॉल्व होने के कारण हम उसको जानते नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर रामटेके साहब ने बहुत ही सरल भाषा में, सरल हिंदी में और उदाहरण के माध्यम से समझा। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को इस बाबत जो अनुवांशिक का जो भूमिका है, जो सोयाबीन की जो पीढ़ी दर पीढ़ी में जो क्या गुण होते हैं उसको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ साहब, डॉक्टर रामटेके साहब, और मैं आपको दर्शकों को बताता हूँ कि पुनः एक बार ऐसे ही किसी दूसरे वैज्ञानिक के साथ में तकनीकी विषय को साधारण भाषा में समझाने के लिए और किसी विषय के साथ में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद और नमस्कार।